12 दिन बीत जाने पर भी वन विभाग की टीम नहीं खोज पाई तेंदुए को। शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं लोग। विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास सोहाणी का जन्मदिवस आज, सेवा सप्ताह के रूप में मनाई जन्म दिवस की खुशियां। शासकीय मान कुमारवाई कॉलेज में हुए परीक्षा परिणामों में हिलावाली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन, प्राचार्य की भूमिका पर लगाया प्रश्न चिन्ह। जिले के 5 पटवारियों की सेवा समाप्त, कंप्यूटर की जानकारी वाला रिकॉर्ड समय अवधि में जमा नहीं करने पर संयुक्त कलेक्टर ने जारी किए आदेश। निर्मल बाबा के खिलाफ सुनवाई पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आगामी आदेश तक सुनवाई पर लगाई रोक, 9 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। नगर निगम में आयोजित समीक्षा बैठक में महापौर ने दिया अधिकारियों को निर्देश, कहा जन जन तक पहुँचे शासन की योजनाओं का लाभ। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर लगाया ट्रांसफार्मर घोटाले को लेकर आरोप, कहा 2 साल में लगाया 119 करोड़ का चूना। छावनी प्रशासन इस बार बारिश के मौसम में लगाएगा 33,000 पौधे, टेंट बोर्ड की मीटिंग में लिया गया निर्णय। चोरी के माल का बंटवारा करने की योजना बना रहे चोर गिरोह को ग्वालपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ शुरू। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का शीघ्र होगा नियमितीकरण, शासन जल्द जारी कर सकता है आदेश। राइट टाउन स्थित ट्रस्ट की जमीन पर ट्रस्टी ने किया कब्जा, थाने में मामला दर्ज। आर्मी ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, रामपुर चौराहे पर घटी दुर्घटना, मार्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस। लॉटरी पद्धति से मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीबों को किया गया पक्के मकानों का वितरण, महापौर ने 75 भवन किया आवंटित। पिछले दिनों रांची क्षेत्र से गायब हुई युवती का पुलिस ने किया राजपाश, पैसे लेकर जबरिया कराई युवती की शादी, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहरवासियों को मानसून के सक्रिय होने का बेसब्री से है इंतजार, मौसम की बेरुखी से बढ़ रही संक्रामक रोगियों की संख्या।